भाई जब हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? नेहरू प्लेस जा रहे हैं, कुछ अपना सामान लेना। क्या सामान लेना है वैसे? गया गया भाई, लग गया कट। गिरे जरा, थोड़ी सी वॉशरूम लगी है। अर्जित भाई, अरे भाई ब्लॉग में डाल, ब्लॉग में क्या? गाइस नेहरू प्लेस पे सिर्फ आपको की लैपटॉप एसेसरीज ही नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह भी मिलते। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 फेब एंड इट्स सैटरडे आज। तो यार एक्चुअली इधर मैं वीडियो रेंडरिंग के लिए लगा रहा हूँ एंड सुबह जस्ट अभी 9:30 बजे के आसपास उठे थे एंड मैं अपना ज़रा पी रहा हूँ प्रोटीन शेक। ये रहा मेरा प्रोटीन शेक, तो प्रोटीन शेक पीते हैं एंड वीडियो रेंडर पे लगाते हैं। एक्चुअली यार मेरे को ना आज जाना है, थोड़ा सा न्यू दिल्ली जाना है। वो न्यू दिल्ली क्यों जाना है मैं आपको बताता हूँ आगे। एंड गाइस फैमिली, आज सबकी मेरी आंटी भी आ चुकी हैं। खुश हो संदीप आप? क्या कह रहे हो, खाना बेड पे मिला करेगा आपसे? बेड पर ले लेंगे। चलो गाइस प्रोटीन शेक पीते हैं। हाँ तो ओके, रेडी हो चुके हैं एंड अपना आज घर का खाना खा रहे हैं। बहुत सही खाना बनाया आंटी ने, बहुत सही। क्या कहना चाहोगे संदीप भाई? हेवन भाई, बिल्कुल घर जैसा स्वाद, बेहतरीन। ना नमक ज़्यादा, ना मिर्ची ज़्यादा, बेहतरीन एकदम बेस्ट। मज़ा आ गया। फाइनली लीविंग फॉर दिल्ली। अभी ट्रैफिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी आपको, आपको आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, तो अभी सीधा आपको मेट्रो स्टेशन चल के बात करते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना ये सही स्थल। अब यहाँ से उधर चल के, थोड़ा ऑटो वाले ने आज इधर उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर चल के मेट्रो पकड़ते हैं। चले गाइस, चलिए फिर। तो सीढ़ी से जाएंगे, तुम किससे जाओगे? अमन अर्चित यार सीढ़ी से आओ यार। अरे यार लेजी पीपल्स, देख हरकतें, देखो हरकतें। ये मैकेनिकल वाले हैं ना, ये इसलिए ऐसे होते हैं बस। सो गाइस अपन यहाँ मेट्रो में केला खा रहे हैं, थैंक्स टू अमन भाई, अमन ने हमें भूख से रेस्क्यू किया। अब केला खाते हैं और चलते हैं। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से जरा कहाँ के लिए जाना है? राजीव चौक के लिए। तो येलो लाइन पकड़ते हैं। गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पे संदीप भाई ने लिया फालूदा और अपन ने लिए हैं स्वीट कॉर्न। अमन भाई आपके लिए स्पेशली स्वीट कॉर्न लिए गए हैं, पकड़ो तो। अरे यार कौन सा है जो तुमने बोला चाट मसाला? चलो अभी नहीं खाते हैं। इन्हें ज़रा थोड़ी सी वॉशरूम लगी है। अर्चित भाई, अरे भाई ब्लॉग में डाल, ब्लॉग में क्या है, तुम वॉशरूम ढूंढो। गाइस फाइनली आज के हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन राजेंद्र पैलेस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ज़रा कुछ सामान लेना है हमें, वो सामान लेते हैं फिर चलते हैं आगे। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम राजेंद्र नगर आए हैं और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बुक स्टोर। वैसे राजेंद्र नगर पूरा अपना बुक मार्केट के लिए फेमस है, लेकिन हमें यहाँ पर अब तक एक भी बुक स्टोर नहीं मिला है। पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ढूंढते हैं चलो। तो गाइस अभी हमने एक भैया से रास्ता पूछा, उन्होंने रास्ता बता दिया है। थोड़ा सा हम आगे, ज़्यादा आगे आ गए तो कब चलते हैं। साहिल ने अपने को एक स्टोर दिख चुका है यहाँ पर और यहाँ से भी कुछ बुक्स लेते हैं। गाइस अपन ने कुछ ये बुक्स लिए, इतने सारे बुक्स लिए अपन ने, पढ़ाई करेंगे एंड अब पेमेंट करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। सो गाइस अपन को दिखी है कि यहाँ पे ये चिकन बिरयानी की शॉप, और चिकन बिरयानी तो हमारा मिस करते ही नहीं है। चलो यार खाते हैं बिरयानी। गाइस फाइनली अपनी बिरयानी आ चुकी है, अमन भाई की भी आ चुकी है। ये दोनों नहीं खाएंगे क्योंकि बेचारे वेज हैं, वेज वाली खा लो यार। चलो कोई नहीं अपन खाते हैं। सो गाइस डन विद द बिरयानी, और बिरयानी यहाँ पे काफ़ी टेस्टी थी। अब यहाँ पे भैया का पेमेंट करते हैं। हाँ भैया बिरयानी बहुत बढ़िया थी, एक नंबर बिरयानी, मज़ा आ गया, बेहतरीन बिरयानी, बेहतरीन। दोबारा आएंगे हम ज़रूर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भैया नंबर तो मैंने ले लिया आपका, ब्लॉग में ले लिया, ठीक है। चलिए भैया आप पेमेंट करते हैं। चलो भैया ठीक है, ओके भैया। जब हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? नेहरू प्लेस जा रहे हैं,
कुछ अपना सामान लेना, क्या सामान लेना है ताज भाई के मैकबुक के लिए? एक हार्ड केस लेनी है। ताज भाई का जो मैकबुक है ना, ताज भाई हमारे अमीर आदमी, उनके मैकबुक का केस लेना है। तो चलते हैं नेहरू प्लेस, आपको नेहरू प्लेस भी दिखाते हैं आज। आगे जल्दी 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 भाई जल्दी, अबे कहाँ जा रहा है? सॉरी चलो लेडीज डब्बे में घुस गए थे। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन, एंड यहाँ से यार व्यू देखिए, पूरा सिटी दिखता है यहाँ से। और वो सामने देखिए एक टेंपल भी है, आई थिंक वो इस्कॉन का टेंपल है राइट, जहाँ तक मुझे लगता है इस्कॉन वाला टेंपल है वो। आपको पता होता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हुआ, सीढ़ियों से क्यों नहीं जा रहे हो अमन? नींद आ रही है। और ना एस्केलेटर सीधे तुम लिफ्ट से? चलो कोई नहीं, लिफ्ट से चल लेंगे। लेट्स गो गाइस, अब चलते हैं कुछ पूरा नेहरू प्लेस चलते हैं, और कुछ हमें लेना मोबाइल कवर्स लोगे अमन? तो गाइस फाइनली आप पहुंच चुके हैं अपना नेहरू प्लेस। आप देख सकते हैं सब जगह यहाँ पे पता पूरा कंप्यूटर मार्केट है, शोरूम ही शोरूम, कंप्यूटर्स के शोरूम ही शोरूम। एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं, बताओ मन हमारे अच्छे को ये फेमस क्यों है नेहरू प्लेस, ये नेहरू मार्केट फेमस क्यों है? पता नहीं भाई, लगभग तो बहुत बड़ा मार्केट है। एसी ताज, अकॉर्डिंग टू ताज यहाँ पे भाई, अकॉर्डिंग टू ताज नहीं, ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। यहाँ पे ऐसी कोई कंप्यूटर एसेसरी नहीं है जो यहाँ ना मिल सकती हो। चलो अभी दिखा दो, हाँ आपको दिखा दें हम यहाँ पे। गाइज अभी हम जरा अर्चित भाई के लैपटॉप का हिंज ठीक कराते हैं, इनके हिंज लैपटॉप के हिंज में प्रॉब्लम आ गई है, इनके हिंज में इनके लैपटॉप के हिंज में प्रॉब्लम आ गई है एक्चुअली, तो इनका लैपटॉप का हिंज ठीक कराते हैं पहले। सो गाइज फाइनली अपने लैपटॉप के लिए, सॉरी मैकबुक के लिए हार्ड केस ले लिया है, कॉम्बो भैया 1200 का बता रहे हैं। चलो देखते हैं, अमन भाई ने डिसाइड किया कि वो अपने लैपटॉप पे लगवाएंगे लेमिनेशन। भैया एक्चुअली हमें थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो अभी देखते हैं कि करवाते नहीं करवाते, लेकिन अमन भाई का दिल आ गया तो अमन करवा के जाएंगे, इतना तो हमें पता है। अमन भाई ने लगवाई है ये अपने लैपटॉप पे स्कैन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है। और अभी यहाँ पे संदीप भाई के लैपटॉप पे टेम्पर्ड लग रहा है, एंड संदीप भाई तुम भी स्कैन लगवाना चाहोगे क्या? चलो अभी देखते हैं। अर्चित भाई का लैपटॉप क्या हुआ, सर्विस सेंटर पे क्या बता रहे हैं? कुशल बाजार जाना पड़ेगा। कहाँ पे? कुशल बाजार, इसके पीछे इस वाली बिल्डिंग पीछे। ओके तो अभी कुशल बाजार भी जाना पड़ सकता है, ये भी है नेहरू प्लेस में, यह मैं नया पता चला। चलो अभी देखते हैं। गया गया भाई, लग गया कट, लग गया भाई, लग गया कट, लग गया गया। नेहरू प्लेस पे सिर्फ आपको की लैपटॉप एसेसरीज ही नहीं मिलती हैं, यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, और आगे जाएंगे तो टी शर्ट जीन्स वगैरह बहुत सही प्राइस पे मिल जाती हैं। क्या भैया भेलपूरी बढ़िया से बना दो, एक चटपटी सी बेहतरीन। तो गाइस अपन अभी यहाँ पे खा रहे हैं भेलपूरी, एक फन हो गया। क्या फन हो गया? हेल्पफुल हो गया ये ब्लॉग, हेल्पफुल हो गया क्योंकि अभी आपने लास्ट पे अभी सुना को पीछे ही हम एक कुशल बाजार जाने वाले थे, अब हम वहां से यहाँ तक ही आए थे कि हम भूल गए और कुशल का नाम भी भूल गए, बाजार का नाम क्या था भूल गए। फिर हमने अपने ब्लॉग की रिकॉर्डिंग देखी और फिर पता चला कि उस बाजार का नाम कुशल बाजार है, तो अब कुशल बाजार चलते हैं। बुद्धि बिल्कुल तेज नहीं है तुम्हारी, बादाम खाने पड़ेंगे। यहाँ से लेने क्रीम रोल्स, काफी अच्छे लग रहे थे, चेरी वगैरह डाल रखी थी भैया ने बढ़िया। इस देखिए कितने बड़े चेरीज डाल रखे, सॉरी उस वाले में नहीं दिखी थी तो वाला मैंने अमन को दे दिया। चलो अब चलते हैं, अपन को फाइनली मिल चुका है कुशल बाजार, अब अंदर चलते हैं। चलो क्या है, कहाँ लिखा है सेकंड फ्लोर? ओ लिफ्ट हो गई, चलो चलो भाई अपन आ चुके हैं नंबर सर्विस सेंटर। निकालो अर्चित भाई, जाओ वहाँ पे, जाओ काउंटर पे जाओ। वैसे आप लोग देख सकते हैं ये लेनोवो सर्विस सेंटर अंदर से काफ़ी सही है, काउंटर दो काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग वेटिंग में ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, वेटिंग के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बट देखते हैं अपना होता है या नहीं होता। अर्चित भाई वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो गाइस अर्चित भाई का काम नहीं हुआ है, इन्होंने बता दिया इनके लैपटॉप में दिक्कत है, मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो ठीक ही नहीं हो सकता। यार मैं तो कह रहा हूँ लेनोवो लैपटॉप ये नहीं लेना है जीवन में, इसीलिए मैं विंडोज नहीं रखता भाई, मैं तो कह रहा हूँ लेनोवो। चलो अभी लेफ्ट में चलते हैं, आपको फिर बताते हैं आगे। भाई सबसे ख़राब सर्विस एक्सपीरियंस अब तक पता है मैंने उसका देखा है, एक तो एसुस का और अब लेनोवो का।
तो गाइस अब चल रहे हैं वापस घर। अपन ने एक्चुअली कुछ मास्क ले लेते हैं, वो मास्क मेरा काफ़ी पुराना हो गया था। एक अच्छे भाई ने मास्क लिया, एक मैंने मास्क लिया है। अब चलते हैं घर। गाइस अपन यहाँ पे रुके हुए हैं, ये बंटा सोडा पीने बचपन में पिया करते थे। मन बचपन में पिया तुमने बंटा सोडा? तुमने बंटा, तुम लोगों ने बंटा सोडा नहीं पिया? अरे यार हमको सोडा पी के नशा होता है। चलो आज तुम्हें बंटा सोडा पिलाते हैं। ओम पो दर्राटे काट दिए। कैसा लगा बंटा सोडा अमन, क्या कहना चाहेंगे? एकदम दर्राटे काट दिए, दर्राटे काट दिए, दर्राटे। तो आज मौसम ने भी काट रखे हैं वैसे। क्यों? बेहतरीन हो रखा है। BMW। तो गाइस अमन भाई ने बुक लिए एक ही गाय, द जापानी सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अमन भाई एक्चुअली जापानीज एनिमेज इन तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, कोरियंस। तो अमन अब ये लिए, अब चलते हैं वापस, मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, चलते हैं। जरा अभी इधर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे नहीं है सीट। तो गाइस अपन जरा अभी जा रहे हैं चायोस, क्योंकि एक्चुअली टाइम हो चुका है 6:50 और 6:50 और अमन भाई का एक्चुअली है एक हैकाथॉन है, तो वो करनी है। और अपन को घर पहुँचते पहुँचते एक्चुअली 8:30-9 बज जाएंगे। तो अपन यहाँ चायोस में बैठ के क्विज करेंगे। अपनी क्विज यहाँ पे ओपन हो चुकी है, अब क्विज कंप्लीट करते हैं फिर चलेंगे यहाँ से। कंप्लीट हो चुका है, अपनी चाय भी हो चुकी है, अब चलते हैं वापस। तो यार इस ब्लॉग को कर दीजिए पे एंड, एंड आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन टाटा बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।